أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم, أما بعد. डियर सपोर्टर्स, आज मैं आपको लेके आया हूँ एक जानी मानी हस्ती, वीडियो ब्लॉगिंग में और यूट्यूब में और मातृभूमि टीवी चैनल से बहुत मशहूर और मारूफ मिस्टर राजेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं. आज मैं उनको लाने के लिए खास मकसद है, क्योंकि वो ना तो इन्वेस्टर हैं या ना तो वो एंटी तरफ से हैं, वो एक जर्नलिस्ट के नजर से हीरा ग्रुप को देखते आए हैं. हम इसी सिलसिले में उनसे सवाल करेंगे और जहां तक हो सके ये सवाल जर्नलिज्म के अंदर ही रहना हम चाहते हैं. तो हम राजेश मिश्रा जी से सवाल करेंगे कि राजेश मिश्रा जी, आप तो जैसा कि हमने बताया ना तो इन्वेस्टर हैं, ना तो आप इसके कहीं से कुछ एम्प्लॉई हैं, कुछ भी नहीं है. आप अचानक से इसमें कैसे शामिल हो गए? अबूजर साहब, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन जब भी मैं अभी आपके सामने आया हूँ मीडिया में, तो थोड़ा सा लोग मुझसे सुप्रीम कोर्ट की कुछ अपडेट भी जानना एक्सपेक्ट करते हैं. अगर आपकी इजाजत हो तो बस एक मिनट की एक बात कह दूं पब्लिक से. ये सवाल आ जाएगा अभी, अगली अगली इसमें ये सवाल आ जाएगा. जी जी. तो सर देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि मैं एक सोशल वर्कर की तरह काम करता हूँ सर, और लगातार मैंने पिछले कई कंपनीज के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हक की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने काम किया है. तो ठीक उसी तरीके से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में भी मैं काम कर रहा हूँ, ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके. सर, किसी की भी आवाज उठाने के लिए, हक की आवाज उठाने के लिए इन्वेस्टर होना जरूरी नहीं है. सच क्या है वो बताना जरूरी है और सच का साथ देना जरूरी है सर. बीच में इन्वेस्टर्स और कुछ सपोर्टर लोग और कुछ एंटी लोग, तीनों भी लोग, यानी एंड सपोर्टर्स, इन्वेस्टरों में से सपोर्टर्स भी हैं, एंटी लोग भी हैं जो कंपनी को बर्बाद करना चाहते हैं. इन सब ने मिलकर आप पर हमला किए, आपको बुरा भला बोला, आपको यानी अनबेरेबल सिचुएशन तक आपको ला दिए, तो फिर भी आप इसके अंदर डटे रहे, इसके पीछे क्या राज है? आप कुछ मैडम से कुछ आखिर में कुछ इनामात के लिए कर रहे हैं, या आप बस एक नॉर्मल सिटीजन के तरीके से कर रहे हैं? इतना करने के बावजूद भी आप डटे हैं, अच्छे अच्छे सपोर्टर लोग भी बाजू में हट गए आप देख रहे हैं, तो भी आप डटे हैं इसके अंदर, और आपको तारीफ और सब कुछ कम मिल रही है, इसके बावजूद भी आप डटे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं तो अच्छा रहता. देखिए सर, क्या होता है अबू हजर सर, कि जब कोई भी लड़ाई आप पूरी ईमानदारी से लड़ते हैं, तो इस तरीके की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है, किसी को भी करना पड़ता है. देखिए सर, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेन सर क्या होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है. देखिए सर, जिस तरीके से आपा डॉक्टर नहुरा सेठ को 172,000 लोगों को पूरी तरीके से परेशान किया गया, और एक 15 साल से ज्यादा चलती हुई कंपनी को टारगेट किया गया, सिर्फ इसके लिए कि वो अपनी कंपनी चलाना चाहते थे, अपनी बैंक को चलाना चाहते थे, और पॉलिटिक्स के अंदर भी अपने सामने, जैसे कि आप जानते होंगे इस समय पूरे तरीके से देश में नेपोटिज्म चल रहा है, भाई भतीजावाद चल रहा है, कि लोग अपने भाई भतीजे को छोड़कर किसी को भी मैदान में आने नहीं देना चाहते हैं, अपने सामने खड़े नहीं रहने देना चाहते हैं सर. इसी तरीके से आपा डॉक्टर नहुरा सेठ को शिकार बनाया गया, और 172,000 उनके परिवार के 28 लाख लोग भी परेशान हुए. तो चूंकि सर मेरी लड़ाई बहुत बड़ी है, और जिन लोगों के सामने मैं लड़ रहा हूँ वो लोग भी कोई मामूली हस्ती नहीं है, इसलिए सर मैंने ऐसे ही आजू बाजू जो लोग मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे सर, उनका मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, उनको मैंने केयर ही नहीं किया सर. मुझे सिर्फ मेरा मकसद मालूम है सर, मुझे किसी भी कीमत पे आपा बाहर आने चाहिए, और 172,000 लोगों के साथ इंसाफ मिलना चाहिए. और दूसरी बात सर, आपने कहा कि मुझे कुछ हासिल करना है क्या, तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपा को मैं अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, 172,000 लोगों को अपने भाई बहन के परिवार की तरह मानता हूँ, और रिलेशन में कुछ हासिल नहीं किया जाता है, अपना फर्ज निभाया जाता है, और वही फर्ज राजेश मिश्रा निभा रहे हैं. जी, बहुत खुशी आपके जवाब के लिए. अभी आप बताएंगे हमको कि क्या चल रहा है, हीरा ग्रुप का केस, सुप्रीम कोर्ट का मैटर, ये सब लेके अभी हीरा ग्रुप के मैटर्स के अंदर क्या चल रहा है, एक ब्रीफ आप
बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अभी क्या माहौल है, क्या सिचुएशन है ग्रुप का? देखिए सर, इस समय सुप्रीम कोर्ट की अपडेट जानने के लिए हीरा गोल्ड के सारे इन्वेस्टर भी परेशान हैं और तमाम लोग फितनेबाजी फैलाने वाला काम दिन भर करते रहते हैं ऑडियोज वीडियोज के माध्यम से। तो सर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को लीगल टीम है वो लगातार डेट को लेकर के पूरी कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी इसकी डेट मिले और इंशाल्लाह बहुत जल्द इस बात का ऐलान हो जाएगा। इसमें ज्यादा समय नहीं बाकी है क्योंकि 3 महीना कोरोना की वजह से प्रभावित था, पूरा जुडिशियल सिस्टम प्रभावित था, पूरे देश का ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित था और सारे इंस्टीट्यूशंस बंद थे। इसी वजह से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का केस भी लेट हुआ है। लेकिन अभी जब से 8 तारीख से यानी 8 जुलाई से अनलॉक 1.0 स्टार्ट हुआ है तब से हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम लगातार सुप्रीम कोर्ट में डेली बेस पे वहां पर जाकर के अपना कुछ ना कुछ प्रोसीजर कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द डेट आ जाएगी। और दूसरी बात सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ऑनरेबल तेलंगाना हाईकोर्ट के अंदर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज को एक जबरदस्त विक्ट्री हासिल हुई और आदरणीय जज महोदया श्री देवी जी ने हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में 1,72,000 इन्वेस्टरों के हक में और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के हक में फैसला सुनाया और उसी फैसले को पूरे इंडिया में लागू करने के लिए अपर डॉक्टर नहीरा शेख अपने लीगल टीम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहुंची। और उनका कहना यह है कि चूंकि कंपनी नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है, ऐसे में अगर दिल्ली से जजमेंट आएगा तो कंपनी भी चलने का रास्ता आसान होगा और लोगों को पैसा जल्द से जल्द मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो सर सुप्रीम कोर्ट में इंशाल्लाह बहुत जल्द इस मामले में डेट आएगी, हियरिंग होगी, इंशाल्लाह जजमेंट भी आएगा। आप क्या अंदाजा लगाते हैं कम से कम कितने महीनों में ये मामला सुलझ जाएगा, आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं इसका? देखिए सर मेरा ऐसा अंदाजा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त तक ये मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे अंदाजा है जी। और ये कुछ लोग, यानी कुछ लोग मतलब स्पेसिफिकली हम लोग बताएं तो अच्छा रहेगा, जो कंपनी को साजिश करके फंसा ये लोग जो हैदराबाद के गैंग से हैं, ये लोग अभी धार्मिक मुखंडों को यानी शेख लोगों को, मौलाना लोगों को और इस्लाम प्रोपेगेटर्सों को, इनको ला के वीडियो बना रहे हैं, इसके पीछे क्या दिख रहा है आपको? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस चल रहा है तो फैसला तो वहां से होगा, लेकिन ये लोग स्ट्रीट में फैसला करना चाहते हैं, गलियों में फैसला करना चाहते हैं या स्टेजों पे फैसला करना चाहते हैं, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या राजनीति है इसके पीछे? देखिए सर इसके पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है क्योंकि अभी मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रहा है और जो भी बंदा देश के कानून का सम्मान करता है, संविधान का सम्मान करता है, उसको ये बात समझना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है उस मामले पे डेली ऑडियो वीडियो बनाना पहली बात तो गलत है। दूसरी बात, जो दीन धर्म के लोगों को ला रहे हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उनको पूरी बात मालूम नहीं है और उनको इस मामले में कोई भी बयान देने के पहले सोचना चाहिए। और चूंकि जो दुश्मनान हीरा है इनका पैनिक करने वाला प्रोग्राम पूरी तरीके से धराशायी हो चुका है, इनका पूरा का पूरा मामला डिरेल हो चुका है, तो इसके लिए धार्मिक लोगों को बीच में ला रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो उनके फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर कोई असर पड़ेगा, नए FIRs हो जाएंगे, पब्लिक पैनिक हो जाएगी, लोगों के अंदर एक फितना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह लोग बहुत समझदार हैं और वो अपने मकसद में किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपको ये प्लान बी की तरफ नजर आ रहा है क्या? अभी सर इनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, इसके लिए उस बात को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए इस तरीके का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन कामयाब नहीं होंगे सर जी। लेकिन एक आदमी अपने आप को विसल ब्लोवर बोलता है, वो उसकी हिस्ट्री रही है कि वो सेटलमेंट करता था, ये सब बाकायदा दलील्स और प्रूफ्स हैं जो मैं अभी बोलने जा रहा हूँ, उसकी सेटलमेंट कर रहा है बोल के तेलंगाना पुलिस ने उसकी गन छीन ली थी पहला, उसके बाद में उसको जिस आफिया प्लाजा में रहता है उसी का खुद मालक का बेटा बोलता है कि ये ठग है, मेरे बाप को इसने नशे की दवा देके पूरा कॉम्प्लेक्स कब्जा किया और TDP से उसको एक्सपेल किया गया और उसके ऊपर रेप अक्यूस्ड बोल के डेक्कन क्रॉनिकल शायद मेरे ख्याल में
न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी आया। उसके बाद में हैदराबाद पुलिस ने उसको जो बॉडीगार्ड दिए थे वो भी कैंसल कर दिए। यानी हर तरीके से ये बंदा बदनाम है, और इसका तो एक सोशल मीडिया में वीडियो क्लिप चल रहा है कि ये खुलेआम एक बाइज्जत औरत के साथ मोलेस्टेशन कर रहा है। इसके बावजूद भी लोग इसकी मान रहे हैं और इसके तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं या नहीं होते जा रहे हैं, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए सर, सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ सर कि आदमी का जो नाम होता है वो उसके काम में झलकना चाहिए। कि कोई अपना नाम विजिल ब्लोअर रख ले अपने मर्जी से, ये तो खुद के द्वारा बनाई गई डिग्री है, इसको तो मैं कोई महत्व तो नहीं देता। मैं तो विजिल ब्लोअर मानता ही नहीं हूँ। विजिल ब्लोअर का मतलब होता है कि वो विजिल ब्लोरिज्म जो है वो आपके काम में दिखना चाहिए। आपा डॉक्टर नयूरा शेख ने तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट जमा किया 16 महीने में पैसा देने का, सेशन कोर्ट में जमा किया, सुप्रीम कोर्ट में जमा किया है, कोर्ट के सामने जमा किया है। ऐसे कैसे विजिल ब्लोअर हैं ये जो 1% लोगों की बात कर रहे हैं और 99% लोगों का पूरा भविष्य अंधकार में डाल दिया है। आज लोग कितना परेशान है आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते सर, कि 1,72,000 लोगों के साथ तकरीबन 25 लाख फैमिलियां जुड़ी हुई हैं, उनके माँ बाप भाई बहन मिलाकर सबके सितारे गर्दिश में है, लोग परेशान हैं। और ये झूठा विजिल ब्लोअर बन के ये लोग पब्लिक को परेशान कर रहे हैं, तो एक प्रकार की इनकी साजिश है अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड को वॉश आउट करने के लिए। विजिल ब्लोअर का चेला ओढ़ लेना ये पॉलिटिकल साजिश है, ये एक जी प्लानिंग है, प्लानिंग जी जी उसी तरह से विजिल जो ब्लोअर वो यानी होता है जिसको लोग विजिल ब्लोअर कहें। जी सही है, इसी तरह से और एक कैरेक्टर है जो मुंबई से ऑपरेट करता है, जो हीरा के सपोर्टर लोगों में वायरस नाम से बहुत मशहूर है। लोग बोलते हैं कि वो खुद की फैमिली का केयर नहीं रखता है, और लोग बोलते हैं कि वो खुद ड्रग एडिक्ट है, कुछ चरस विरस ऐसा एडिक्शन है उसको, ऐसा लोग बताते हैं। और वो खुद लोग बोलते हैं कि वो इमोरल बिजनेस को सपोर्ट करते हैं उसके इर्द गिर्द के लोग। ऐसा भी आदमी आके बोल रहा है कि हम हक की लड़ाई कर रहे हैं, हम जिहाद कर रहे हैं, नऊज बिल्ला। ये मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द टेक्निकल रिलीजियस टर्म ऑफ इस्लाम, ऐसा बोल के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और बोल रहे हैं दूसरी तरफ से कि वकील लोग क्या कर लेंगे, यानी अपनी तरफ से हमारे वकील लोग क्या करेंगे, हम उनको खुद फॉलो करना चाहिए, मैं खुद पेपर बना रहा हूँ, मैं खुद ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, ये सब बोल रहे हैं। इस सब सोच के आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये लोग बैटल ऑलमोस्ट हार गए हैं? नहीं, सर, इनकी बौखलाहट में उनकी हार दिख रही है। इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ कि तेलंगाना हाई कोर्ट का जब फैसले का मामला आया था तो सब लोग मैदान छोड़ के भाग गए थे, नदारद हो गए थे। तो इसी तरीके से इनको इसका सुप्रीम कोर्ट मतलब का भी आप मालूम बोल है। रहे हैं कि वो अंडरग्राउंड हो गए थे, जैसा कि विक्टिम एसोसिएशन का सेल्फ प्रोक्लेम्ड लीडर अमेरिका भाग गया था बिना बताए। लोग फोन करके पूछ रहे थे, उनके घर वाले बता रहे थे उस हॉस्पिटल में है, इस हॉस्पिटल में है, तबीयत सही नहीं है। बाद में पता चला कि ये कहीं अमेरिका की सिटी में जाके बस चुके हैं। तो जी आप जी ये बात जी की तरफ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल सर। देखिए क्या है मालूम है, जब ये आर्गुमेंट हो रहा था तो लोगों को अंदाजा लग जाता है कि दिशा किधर है, रुख किधर है जजमेंट का। तो जब ये तेलंगाना का जजमेंट होने को आया तो पहले लोग बताए कि एडमिट है, फिर वो डेंगू हुआ है, फिर मलेरिया हुआ है, फिर सऊदी गए हैं, फिर अमेरिका गए हैं, क्या मालूम, समझ रहे हैं सर। तो जी वो हार दिख रही थी और यही चीज अब सुप्रीम कोर्ट में दिख रहा है। यानी इसका और मतलब सर वो यही है कि जो ये खुद पेपर्स बना रहे हैं, ये खुद बोल रहे हैं कि। और एक बात मिश्रा जी मुझे बहुत यानी मेरा अटेंशन लेती है, वो है कि ये खुद ईडी को बोल रहे हैं, ये खुद सीसीएस को बोल रहे हैं, ये खुद दूसरे गवर्नमेंट ऑटोनोमस तंजीमों को बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन तंजीमों को कि वो प्रॉपर्टी अटैच करो, ये प्रॉपर्टी अटैच करो। आप क्या समझते हैं कि हमारे आईपीएस ऑफिसर्स और आईएएस ऑफिसर्सों को इन सब की जानकारी नहीं है, इन लोगों से सीखना पड़ेगा ये सब चीज? नहीं सर, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि एक प्रकार का पॉलिटिकल प्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को मालूम रहता है कि उनको क्या करना है, वो
उनको सिखाना नहीं पड़ता है कि उनको एबीसीडी और ककहरा सिखाएंगे तब वो लोग जाकर के काम करेंगे। ये तो खाली मतलब लोगों को भड़काने के लिए और अपने आप को बहुत महान साबित करने के लिए, अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए कोशिश की जा रही है, और कितना भी कोशिश कर ले सर कामयाब नहीं होंगे। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज में कई जगहों से क्लीन चिट मिली है, कई जगह से बेल मिल गई है, इन्होंने क्या क्या एलिगेशन नहीं लगाया, उसका अंजाम क्या है देख लीजिए आप। जी एक रंच बिल्कुल, मात्र कुछ भी साबित नहीं कर पाए हैं। जी बिल्कुल। एक रिलीजियस हमारे स्कॉलर जो हैं, ही इज फेमस फॉर इस्लामिक प्रोपगेशन फ्रॉम हैदराबाद से, जो इलिया शरफुद्दीन साहब, टीवी में उधर इधर आपने देखा होगा। इलिया शरफुद्दीन को, शरफुद्दीन साहब जब भी आए अपने वीडियो के माध्यम से बताए कि एमपी असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब इस मामले के अंदर दखलबाजी करना चाहिए, क्योंकि ये तो 25 लाख लोगों का मामला है, यानी इट इज अबाउट 6 बिलियन इंडियन रुपीस का मामला है अप्रोक्सीमेटली, तो इसमें दखलबाजी करना चाहिए। तो हमारे सो कॉल्ड सेल्फ प्रोक्लेम्ड सारे भारत के मुसलमान के मसीहा जनाब एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ बताए नहीं इसके ऊपर, और हमारे गली के शेर अकबरुद्दीन ओवैसी तो खामोश हैं, पता नहीं किधर कोरोना के लिए छुपके बैठ गए हैं या साजिश आगे बढ़ने दीजिए बोल के खामोश हैं, पता नहीं चलता। सिर्फ उनका बंदा ही बोल रहा है जो ये AIIMM का कार्यकर्ता है, जो अपने आप को विसल ब्लोअर बताता है। आप क्या बोलेंगे इस मामले के अंदर? देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें पीछे चेहरा ऐसे ही होता है, जैसे कि इसमें ओएसी साहब जब भी आए थे बंबई में तो उन्होंने भाई खल्ले में बताया कि देखो मैंने कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया, यानी उनको इस बात बात उनको सारी बातें मालूम है, उनकी जानकारी में सारी बातें हैं, वो सब वेट वॉच कर रहे हैं, लेकिन सामने तमाम पोस्टर बॉयज को लगा दिया है अपने चमचों को कि भाई तुम लोग इस केस को हैंडल करो, मेरा नाम मत आने दो ताकि मेरी इमेज जो है पब्लिक के बीच में खराब नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक टास्क दिया है लोगों को कि आप ये टास्क पे काम करिए और हमको रिजल्ट दीजिए। उनको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है, काम पे लगा दिया, बाहर मीठी मीठी बात करेंगे लेकिन सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ मैं, उनकी यह बात के लिए ही शायद उनको बैकल्ला में शिकस्त हो गई, शिवसेना ने वहां से जीत लिया और उनका बहुत मशहूर एक्स एमएलए वारिस पठान साहब हार गए वहां से। देखिए सर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए पब्लिक जो है ना, पब्लिक को कोई बहुत दिन तक बेवकूफ नहीं बना सकता, जनता जो है वो जनार्दन होती है, कहा गया है जनता सबसे बड़ी मालिक तो जनता ही है, जनता चाहेगी तो आप तख्तोताज पे रहेंगे, जनता चाहेगी तो आप जमीन पे आ जाएंगे, कितना भी फेमस व्यक्ति क्यों ना हो। उन्होंने काम को देखा और कारनामों को भी देखा, तो काम और कारनामा दोनों देखने के बाद फिर जनता ने अपना निर्णय लिया और जो अंजाम है, जो परिणाम है, वो आपकी आंखों के सामने है। जी आप क्या समझते हैं मिश्रा जी, इसमें तो कंप्लेनर बहुत कम क्वांटिटी में है, मे बी नाम लेके गिनेंगे तो 40 लोग हैं, यानी पूरे जोर से अंदाजा लगाएंगे तो जनरलाइज करेंगे तो 200 से हो सकता है 1000 लोग तक, या तो मैक्सिमम पकड़िए 2000 लोग तक होंगे, लेकिन कंप्लेन मेरे ख्याल में 36 या जस्ट मोर देन दैट रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कंप्लेंट करने वाले की क्या हाल होगा अभी, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगेंस्ट में आता है तो कंप्लेंट करने वालों को कौन पैसा दिलाएगा, कौन देगा उनका पैसा? देखिए सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि आपा डॉक्टर नवीरा शेख ने कभी किसी को कंप्लेनर कहा नहीं है, उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे अपने फैमिली के लोग थे जो टूट गए, किसी के बहकावे में आ गए तो बहकावे में आ गए, और इन्होंने कैसे बहका लिया कि भाई तुमको 3 दिन में पैसा दिला देंगे, तुमको 3 महीने में पैसा दिला देंगे, 13 महीने में दिला देंगे, ऐसा करके लोगों को बरगला करके कंप्लेनर बना लिया। आज वो लोग खुद पछता रहे हैं, जो जानकारी मुझको मिली है तमाम कंप्लेनरों का, मुझको भी फोन आता है कि मिश्रा जी हम फंस गए यार क्या करें, हमारा तो दिमागी काम नहीं कर रहा, वो ऐसा बोलते हैं, समझ रहे हैं सर, जी अपना जी। नंबर तमाम लोगों के पास है, मालूम पड़ता रहता है। आज उनको इस बात का एहसास है कि कैसे उनके कंधों के ऊपर बंदूक रख के इमोशनल ब्लैकमेल करके लोगों ने अपना मतलब साबित कर लिया और आज लोगों को बीच रास्ते पर छोड़ दिया है सर। जी और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिए सर आपके सवाल के जवाब और कंप्लीट करना है मुझे,
कि आपा ने क्या कहा है कि भाई जिन लोगों ने कोर्ट पे भरोसा दिखाया है उनका पैसा मैं कोर्ट में जमा कर दूंगी, कोर्ट के जी जो कोर्ट जजमेंट सुनाएगा उस जजमेंट को तुरंत मानते हुए मैं अगला स्टेप ले लूंगी, और जिन लोगों ने मेरे ऊपर भरोसा किया है उनको मैं पैसा दूंगी और उनके साथ लगातार चलती रहूंगी, जो मेरे साथ लगातार चलते रहेंगे। तो कहने का मतलब कि उन्होंने सबको पैसा देने की बात कही है, और लेकिन यह है कुछ लोगों को ब्लैकमेल कर लिया गया, और आज इसी वजह से तकरीबन अगर सितंबर 2018 से आप जोड़ेंगे तो जून 2020 चल रहा है, तकरीबन 20 महीना हो गया और आज लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसके पीछे यही बात है कि उन लोगों ने इमोशनल ब्लैकमेल किया, और ये लोग आरोप लगाने में तो पीएचडी है भाई साहब, मैंने जी खुद प्रैक्टिकल जब आजमाया इनकी बातों पे, कुछ भी आरोप लगा देंगे, इन्होंने सारे केस फर्जी किए हैं, मुझको पूरा यकीन हो गया है, जी तभी मैं लेकिन इस केस आप को बता पूरी। रहे हैं, जी आप बता रहे हैं कि मैडम बोलती हैं कि सब इन्वेस्टर्स हैं, तो इन्वेस्टर्स में कुछ लोग कंप्लेन किए हैं, उनकी पीछे से जो साजिशकर्ता लोग हैं, जो बंदूक जिनके हाथ में है, लेकिन इन्वेस्टर जो कंप्लेन किए उनके कंधे पे बंदूक रख के जो चलाया गया था, ये कंप्लेनरों की वजह से, इनकी तादाद ज्यादा नहीं है, 80 करोड़ कुछ तो है, ये 80 करोड़ हीरा ग्रुप में भी, यानी जिस दिन सीईओ रिलीज होती हैं उसी दिन भी ये चक्कू उन लोग रिलीज कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो असली चीज है कि इन्वेस्टर जो कंप्लेन किए शुरू में, जो वो भी एजुकेटेड वेल एजुकेटेड हैं, उसमें से कुछ LIC एजेंट्स हैं, उसमें से कुछ प्राइवेट काम करने वाले हैं, ये लोग जानबूझ के लगता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिल के ये काम किया है, तो बाकी के जो 1,70,000 प्लस लोग जो हैं वो लोग कैसा मानेंगे कि आप इनको पैसा दे दें, तो कैसा मानेंगे वो लोग, क्योंकि वो बगैर कंप्लेंट के 2 साल से इंतजार करते बैठे हैं, और अगर इनको अगर पैसा दे दिया गया तो फ्यूचर में एक मैसेज कैसा डिलीवर करेगी कंपनी, के कोई भी साजिश करेगा कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश करेगा, तो उनको कैसा पैसा दे सकते हैं, ये जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सामने इनके पास दूसरी इनकी बैंकें थी जो काफी लॉस में जा रही थी, क्योंकि तो कंपनी का प्लान बहुत ही डिसेंट था। तो सर इसके लिए पूरी तरीके से ये पूरा 2012 से ही प्लानिंग की गई, ये कोई नई प्लानिंग नहीं है। आज हमको जो समस्या दिख रही है सामने, इसके बीज 2012 से ही बो दिए गए थे, उसके बाद इनको कोई मौका नहीं मिल रहा था क्योंकि लगातार टाइम से लोगों को पैसा मिल जा रहा था। जब ये 2018 के अंदर GST और मनी ट्रांजेक्शन लिमिट वाला मैटर आया तो कंपनी के सामने परेशानी पैदा हुई, इसके लिए लोग अपने साजिश में कामयाब हो गए। दूसरी बात सर क्या है कि इन लोगों का पूरा पूरा ये मकसद है कि भाई जेल जेल के अंदर से हमको जल्दी जल्दी बस पैसा दे दो, भाई अपनी साजिश में काम। अभी तमाम इन्वेस्टिगेशन होंगे, पापा बाहर आएंगे तो अभी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो है पूरी तरीके से पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और आपा का क्या कहना है कि मैं सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट लूंगी ताकि कल को दूसरा तीसरा ऐसे रोड छाप गुंडे लुच्चे लफंगे अगर ऐसे रास्ते में आ जाएंगे तो इतनी बड़ी कंपनी कैसे सरवाइव कर पाएगी। तो इन्होंने अपनी साजिश में जरूर थोड़ा सा कामयाब हुए हैं, लेकिन देर है अंधेर नहीं है, इंसाफ होगा, लोगों को पैसा भी मिलेगा, कंप्लेनरों को भी पैसा मिलेगा, नॉन कंप्लेनरों को भी मिलेगा, जैसा कि अपने ऑफलाइन ऑनलाइन और ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हमेशा अपनी बात कही है। और ये बिल्कुल सही बात है, पूरी तरीके से साजिश थी, और साजिश के सामने आप घुटने नहीं टेकना चाहती, वो चाहती है कि जो देश की सबसे बड़ी सर्वोच्च अदालत है सुप्रीम कोर्ट, वहां से इंसाफ मिले ताकि कंपनी भी चले, लोगों को रोजी रोजगार भी चले, और हक की जीत हो और बातिलों का मुंह काला हो। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो कंप्लेनर किए हैं उनको अपनी कंप्लेन साबित करना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने एक्विज किया है कंपनी को कि कंपनी ने 420 का मामला मेरे साथ किया फ्रॉड, तो वे फ्रॉड उनको साबित करना पड़ेगा, उसके बाद में उनको पैसा मिल सकता है ना। बाकी वालों के जैसा जैसा कि अभी मैडम बाहर आएंगे, आपने बता रहे हैं आपके अंदाजे के मुताबिक अगस्त तक मामला ट्रैक पे आ सकता है, तो मैडम आने के बाद इनको तो पेमेंट रिलीज हो जाएगा, लेकिन ये लोगों को तो साबित करना पड़ेगा ना कि उनका पैसा मिले, तो कैसा उनको पहले पैसा दे सकते हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल साबित करना पड़ेगा। क्या है मालूम है,
अभी पूरा जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद पूरे इंडिया का, तो प्रॉपरली सबका इन्वेस्टिगेशन होगा। उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो कोर्ट में सबमिट होगा, फिर कोर्ट के माध्यम से उनको पैसा मिलेगा। इसका प्रोसीजर यही है जी। आप थोड़ा अपनी अभी क्लोजिंग स्टेटमेंट दें कि आपको क्या लगता है कि जो कंप्लेन नहीं किए वो सही काम किया उन्होंने या गलत काम किया। देखिए सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबका अपना अपना एक विश्वास होता है, और मैंने आपा का जो बैकग्राउंड देखा 15-20 साल से का जो पूरा उनका देखा मैंने, कम से कम समय में पूरा स्टडी किया मैंने अपने लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने FIR नहीं किया उन लोगों ने सही काम किया है, मैं ऐसा मेरा मानना है। जी आपा जी को लोगों ने उनको पूरा मौका भी दिया है, सबर भी किया है। मैं तो सल्यूट करना चाहता हूँ उन सभी लोगों को जिन लोगों ने सबर भी किया है और उसके बाद आज भी इंतजार कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का भी इंतजार कर रहे हैं और आपा की बात पे पूरा भरोसा कर रहे हैं। और दूसरी बात सर, देखिए आपा की जो बुनियाद है बहुत मजबूत है, समझ रहे सर, और उन्होंने जो काम किया है वो बताता है कि आपा आगे सबको लेके चलेंगी या सबका पैसा देने में सक्षम है। और जब कोई CEO अपने मुंह से कोई बात कह रहा हो तो उसकी बात को यकीन करना चाहिए। जी, जाने से पहले मैं आपको एक और सवाल करना चाहता हूँ, आखिरी सवाल होगा। वो ये है कि कुछ फोन कॉल्स या वॉइस मैसेजेस चल रहे हैं कि 2 हफ्तों के बाद या 3 हफ्तों के बाद लोग मोबाइल बंद कर लेंगे, जो कॉन्स्पिरेटर है, मेन कॉन्स्पिरेटर जो हैदराबाद से है, दूसरा कॉन्स्पिरेटर जो मुंबई से है, जो अपने कैरेक्टर से खुद बदनाम है, ये लोग बोल रहे हैं कि 2 या 3 हफ्तों के बाद हम लोग मोबाइल बंद कर देंगे और हम किसी का नहीं सुनेंगे। तो इसके पीछे क्या राज है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं ये लोग, क्या कुछ अंदाजा लगा सकते हैं आप इसके बारे में? नहीं नहीं सर, ये इनका पूरी तरीके से प्रोपोगंडा है ये। सर मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि राजेश मिश्रा का मोबाइल चालू था, चालू है और चालू रहेगा। मैंने तो प्रतिज्ञा किया है सर कि जब तक हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज में आपा बाहर नहीं आ जाती, लोगों को पैसा नहीं मिल जाता और आगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज जो भारत सरकार के नए नियम कानून होंगे 2 साल में जो बदलाव हुआ होगा सबको पूरा फॉलो करते हुए आपा अपनी कंपनी 5 गुना आगे नहीं बढ़ाते थी, राजेश मिश्रा अपना फोन कभी नहीं बंद करेंगे। हमारा ये नंबर 12 साल पुराना है सर, हम क्यों फोन बंद करेंगे? हम लोग हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, इनके नहीं, कहने से हम आपके लोग बारे में नहीं बोल रहे हैं, ये कुछ लोग जो मेन आदमी है मुंबई से, जो मेन आदमी है हैदराबाद से, जो मशहूर लोग हैं, ये लोगों का एक ऑडियो मैसेज ऐसा वायरल हुआ है कि ये बंद करके दूसरा किसी का कॉल नहीं लेने वाले, तो इसके पीछे क्या राज छुपा है, क्यों बोल रहे हैं ये ऐसा लोग, आप क्या अंदाजा लगाते हैं? ये था सवाल। मतलब वो लोग किसी का कॉल नहीं लेने वाले कि हम लोग, किसको बोल वो रहे हो? वो लोग जो कॉन्स्पिरेटर्स बोल रहे हैं, सपोर्टर लोग, वो लोग बोल रहे हैं कि हम इसके बाद में किसी का कॉल नहीं लेंगे, जो भी करना है आपको 2-3 हफ्तों में करना पड़ेगा, बाद में हम लोग आपका कॉल नहीं लेंगे, बंद कर देंगे मोबाइल को। तो इसके पीछे क्या आपको लगता है, क्या सोचते हैं आप, क्यों वो ऐसा करना चाहते हैं? नहीं अबू हजर सर, मैं थोड़ा आपका सवाल समझ नहीं पाया हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एंटी दुश्मनाने हीरा अपना फोन बंद करने वाले हैं, ये सपोर्टर बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? दुश्मना ने हीरा एंटी वाले जी जी, फोन बंद ही करेंगे ना सर, क्या करेंगे? जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ जाएगा, आपा बाहर आ जाएंगी तो उनका फोन भी बंद हो जाएगा, मुंह भी बंद हो जाएगा। और दूसरी बात की आपा का सीधा मकसद है जो साबित करके दिखाएंगी, और ये जितने लोग है ना ये सब सब के सब घुस जाएंगे बिल में, इनको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या है, सारे के सारे आरोप इनके झूठे निकल जाएंगे, तो फिर फोन भी बंद कर लेंगे, चेहरा भी छुपाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं भाई। जी, एक और सवाल पैदा हुआ है आपकी बात के ऊपर, जैसा कि जो AIIMM का मेन कार्यकर्ता है जो हैदराबाद से हमारे MP असदुद्दीन ओवैसी के साथ के, उनके बहुत सारे फोटो वायरल हुए हैं, और ये कार्यकर्ता को तो मैं समझता हूँ कि MP साहब कहीं ना कहीं से बचा लेंगे या तो कुर्बान भी कर देंगे, पॉलिटिक्स में ऐसा चलता है, लेकिन बाद के लोगों का क्या होगा जो उधर इधर से आके मिले हैं, जो मुंबई का वायरस है और कुछ लोग हैं ऐसे ही चने चुने गिने 8-10 लोग, इन लोगों का क्या होगा, इन लोग कैसे कानूनी कार्रवाई से बचेंगे, इनको कौन बचाएगा? देखिए सर, कानून में सीधा बताना चाहता हूँ सर, जो लॉ है वो देश के हर व्यक्ति के लिए का नियम है, हर व्यक्ति के लिए कानून है, और
इंशाल्लाह सीधी सी एक ही बात मैं कहूंगा कि हम जैसा करते हैं वैसा ही भोगते हैं। कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसको उसी तरीके का अंजाम मिलता है। और वैसे आपा का दिल बहुत बड़ा है, वो सीधा अपने काम पे लग जाएंगे, इस पे ध्यान देंगे कि लोगों को आगे कैसे लेके चला जाए, और जिन लोगों ने इस तरह से गलत हरकतें की है उनको ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा, और शायद मुझे लगता है कि देश का कानून भी उन्हें माफ नहीं करेगा। दूसरी बात, जिन लोगों को बरगलाया है, जिन लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल किया है, जिन लोगों को कंधे पर बंदूक रख के चलाया है, वो खुद ही लोग जो है उनको रास्ता बता देंगे कि उनके साथ क्या किया है उन्होंने। हमको लोगों को इसमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। जी 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 राजेश मिश्रा साहब, आपने टाइम दिया, ओरिजिनली आपको 20 मिनट मांगा गया था, आपने 40 मिनट तक टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और हम इसको लोगों तक पहुंचाएंगे जो आपकी, ना तो आप इन्वेस्टर हैं, ना तो आप इनके एम्प्लॉय थे, ना तो आप नवेरा शेख मैडम से डायरेक्टली मिले हैं, इसके बावजूद भी आपने कंपनी को बिना किसी वांटिंग के, बिना किसी लालच के आप सपोर्ट कर रहे हैं। हत्ता के आप मेरे ख्याल में दिन में 4-5 घंटा तो हीरा ग्रुप के लिए बिता ही लेते होंगे, लोगों से मिलने, बात करने वगैरह के लिए। इस सब के लिए भारत का नागरिक होने के मुताबिक मैं आपको बहुत थैंक यू कहना चाहता हूं, और आपसे इजाजत मांगता हूं कि ये लोगों तक पहुंचाने में आप अपनी अनुमति दें इसको। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बिल्कुल आप इसको पहुंचाइए। और आप, मैं सहीरा ग्रुप के सभी फैमिली मेंबर से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इत्मीनान रखिए, सब्र रखिए, जिस तरीके से आप लोगों ने 20 महीने तक सब्र का मुजाहिरा किया है, ऐसे ही आप लोग अपना इत्मीनान बरकरार रखिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डेट भी जल्दी आएगी, आर्ग्यूमेंट होगा इंशाल्लाह, जजमेंट भी जल्द आएगा सर, हक की जीत होगी, बातिलों का मुकाला होगा। और मैं आप लोगों के साथ जो मैंने वादा किया है, कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर लगातार यही चलता रहूंगा। मैं थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, बिकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, और अपना फर्ज निभा के रहूंगा, मेरा आप सभी लोगों से वादा है। थैंक यू अबू हजर सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस लायक मुझे समझा, इसलिए मैं अभी आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच वंस अगेन मिश्रा जी, थैंक यू वेरी मच, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू। एंड आपके और भी इंटरव्यू हम आगे लेते रहेंगे इंशाल्लाह, अगर जब जब जरूरत पड़ी तो इनके नई चालों को लेके। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूँ और अपना सेशन यहाँ पे खत्म करता हूँ। जज़ाकअल्लाह खैर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़।